जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, देखा गया है कि थिंग्स लाइक बैलेंस, जो बज़ाहिर उसका ताल्लुक नहीं है लेकिन जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है, जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लोअर बॉडी है, उसने जो न्यूरोपैथी के लोग हैं उनके अंदर बैलेंस तक को इम्प्रूव किया है। तो देर आर मल्टीपल सिस्टम्स और अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन देर इज़ नो डाउट कि बेनिफिट जो है वो अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गौहर महमूद अजीम है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी एजुकेशन में FCPS न्यूरोलॉजी फेलोशिप यूरोपियन बोर्ड ऑफ न्यूरोलॉजी और स्पेशलिटी सर्टिफिकेट इन न्यूरोलॉजी है रॉयल कॉलेज UK से। मेरा तकरीबन अब 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेडिकल फील्ड के अंदर और आई एम प्राउड कि मेरी सेहत का मैं पार्ट हूँ। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है एक्सरसाइज और न्यूरोपैथिक पेन। तो कुछ क्वेश्चंस जो लोगों के जहन के अंदर आते हैं वो ये है कि क्या न्यूरोपैथिक पेन एक्सरसाइज से बेहतर हो सकती है। तो बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी मौजूद हैं जिनके अंदर देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी न्यूरोपैथिक पेन पहले से बेहतर हो जाती है और उनके पेन स्कोर्स जो कि पहले अगर हाई पेन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें वाज़े फ़र्क आता है। पेन किलर के साथ एडिशनल इफ़ेक्ट उनको एक्सरसाइज का आता है। तो लोग पूछते हैं कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं जिनसे पेन किलर एक्शन मिल सकता है न्यूरोपैथिक पेन के अंदर। तो इसका आसान जवाब ये है कि कोई भी एक्सरसाइज, लेकिन स्पेसिफिकली जो एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें वॉकिंग, जॉगिंग और स्विमिंग शामिल है, इवन जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि जिम और वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज, वो भी शामिल हैं। और स्टडीज़ ने साबित किया है कि मॉडरेट इंटेंसिटी जो एक्सरसाइजेज हैं और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो अपने मैकेनिज्म्स के थ्रू इंसान की न्यूरोपैथिक पेन के अंदर रिडक्शन कॉज करती हैं और इसको डिक्रीज कर सकती हैं। ऐसी स्टडीज़ भी मौजूद हैं जिनमें पता चला है जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनको न्यूरोपैथी लेट स्टार्ट होती है और उनकी न्यूरोपैथी में पेन स्कोर्स जो हैं वो कम होते हैं। सवाल लोग फिर ये भी करते हैं क्या एक्सरसाइज से न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो सकती है। तो टेक्निकली एक्सरसाइज से न्यूरोपैथिक पेन अमूमन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप गलत पोस्चर से एक्सरसाइज करेंगे या आपके, जिस तरह जिम के इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि अगर आपके एंगल्स ख़राब होंगे तो नर्व इम्पिंजमेंट्स के साथ या नर्व्स प्रेशर के साथ पेन स्टार्ट हो सकती है। स्पेशली न्यूरोपैथिक पेन एल्बो से निकल सकती है और नी से निकल सकती है। इसी वजह से एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ या प्रॉपर जिम इंस्ट्रक्टर आपको ज़रूर इसमें मॉनिटर कर रहा हो, एंड स्पेशली जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है ये उसमें फॉल करती है। लेकिन इफ़ यू आर जॉगिंग, इफ़ यू आर स्विमिंग, तो उसके अंदर दे कांट मेक इट वर्स एंड दे टेंड टू इम्प्रूव इट। तो एक्सरसाइज से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनके अंदर एंडोकैनाबिनॉइड्स और उसके अलावा एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से जो बॉडी है उसका पेन थ्रेशोल्ड चेंज होता है और इंसान को पेन कम महसूस होती है। उसके अलावा कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन मैकेनिज़म्स, कुछ पेन गेटिंग के मैकेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि आपके न्यूरोपैथिक पेन को रिड्यूस करते हैं एक्सरसाइज के बाद। कुछ हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी के अंदर आते हैं एक्सरसाइज के साथ, जो बॉडी की रिकवरी इंक्लूडिंग नर्वस रिकवरी और मस्कुलर रिकवरी उसको प्रमोट करते हैं और जो पेशेंट है उसकी न्यूरोपैथिक पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। इवन जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, देखा गया है कि थिंग्स लाइक बैलेंस, जो बज़ाहिर उसका ताल्लुक नहीं है लेकिन जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है, जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लोअर बॉडी है, उसने जो न्यूरोपैथी के लोग हैं उनके अंदर बैलेंस तक को इम्प्रूव किया है। तो देर आर मल्टीपल सिस्टम्स और अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन देर इज़ नो डाउट कि बेनिफिट जो है वो अवेलेबल है। आपको मालूम है कि न्यूरोपैथी के अंदर पाँव की जो सेंसेशंस हैं वो अमूमन कम हो जाती हैं, स्पेशली डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके पाँव को ज़्यादा
रगड़ या डैमेज का सबब पैदा हो, जैसे कि ऐसे शूज़ पहन के जॉगिंग या वॉकिंग करना जो आपके पाँव को डैमेज कर रहे हो, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करना जिनके अंदर पाँव को डैमेज होने का, जैसे वेट गिरने का या कोई इंजरी होने का चांस ज़्यादा हो, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं और उससे नुकसान हो सकता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि ऐसी एक्सरसाइज करें जो कि आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल हो, उसको डैमेज ना करे, और रोज़ाना एक्सरसाइज के बाद आप अपनी स्किन का मुआयना करें, कोई छाला तो नहीं आ गया, कोई रेडनेस तो नहीं आ गई।